आर्थिक विकास में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो 11 टॉपिक्स हमारे पास हैं सब टॉपिक्स उसको मिलाकर वो एग्रीकल्चर यानी कृषि से हैं तो चलिए सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ एग्रीकल्चर पे एग्रीकल्चर एक काफी विविध टॉपिक है काफी बड़ा एक सेगमेंट होता है कृषि जिसे हम लोग कहते हैं तो कृषि में कुल ग्यारह आपके सिलेबस में टॉपिक दिए हैं चलिए हम बात करते हैं इसको कहाँ से पढ़ना है पहला हमारा जो टॉपिक है उसको हम लोग बोलते हैं लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया यानी भारत में भूमि सुधार भारत में भूमि सुधार हमें पता है कि हर साल लगभग या अल्टरनेट ईयर यहाँ से मीन्स में भी क्वेश्चन आते हैं लगातार ये बना हुआ है तो लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया पढ़ने के लिए जो आपको बेसिक फंडामेंटल आपको चाहिए वो एनसीआरटी की बुक से आपको मिल सकता है इकोनॉमिक्स की बुक से साथ ही साथ इंग्लिश मीडियम में अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उमा कपिला काफी अच्छा इसमें जो है बहुत विस्तार से दिया हुआ है कंटेम्प्रोरी दिया हुआ है इसको पढ़ सकते हैं अथवा अगर आप भूमि सुधारों को और तैयार करना चाहते हैं तो इसके लिए मिश्रा और पुरी की एक जो बुक है मिश्रा एनपुरी उससे भी आप इसको पढ़ सकते हैं तो पहला टॉपिक रहा हमारा लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया दूसरा हमारा टॉपिक है मेजर क्रॉप क्रॉपिंग पैटर्न यानी कि जो प्रमुख आपके फसल प्रारूप हैं उनके सस्य प्रारूपों के बारे में बात करते हैं काफी इंपॉर्टेंट है और इसको भी आप अगर हिंदी मीडियम में है तो मिश्रापुरी से भी तैयार कर सकते हैं इंग्लिश मीडियम में भी आप मिश्रापुरी से इसको तैयार कर सकते हैं कुछ हिंट्स आपको जो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है उससे आपको मिल जाएगा टेंथ क्लास और इलेवेंथ क्लास की एनसीईआरटी में इसको आपको इनपुट्स मिल जाएंगे अगला है डिफरेंट टाइप ऑफ इरिगेशन यानी कि विभिन्न प्रकार के कृषि प्रारूप जो सिंचाई प्रारूप हैं उनके बारे में विभिन्न प्रकार के चाहे वो नहरों के द्वारा हो तालाबों के द्वारा हो या सूक्ष्म सिंचाई हो माइक्रो इरिगेशन हो इसके बारे में आपको यहाँ अध्ययन करना है तो इसके लिए जो आपका सबसे बेसिक बुक है वो जोग्राफी की बुक्स में इसके बारे में दे रखा है आप एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं या एक मैगजीन आती है कुरुक्षेत्र तो कुरुक्षेत्र में निरंतर इसके बारे में जो इरिगेशन पैटर्न के बारे में निकलता रहता है उसको आप अपडेट कर सकते हैं नेक्स्ट वन है इरिगेशन सिस्टम स्टोरेज यानी कि जो सिंचाई के लिए जल भंडारण के जो स्वरूप हैं उसके बारे में अध्ययन करना है तो सेम आप जो है इसका भी अध्ययन एनसीईआरटी सी आर से आप कर सकते हैं और महत्वपूर्ण है कि आप जो कुरुक्षेत्र मैगजीन आ रही है उससे भी आप इसका अध्ययन कर सकते हैं अगला अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट यानी कृषि उत्पादों पर टॉपिक दिया गया है यूपीएससी इसके चार हिस्से करता है जहां हम समझते हैं कि कौन कौन से हिस्से हैं पहला ट्रांसपोर्टेशन यानी कि जो कृषि उत्पाद है उनका परिवहन बहुत महत्वपूर्ण है दूसरा उसकी मार्केटिंग संबंधी मुद्दे यानी उसके जो बाजार में बेचने संबंधी मुद्दे हैं वो तीसरा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं यानी मार्केटिंग से मुद्दे जो इंपॉर्टेंट है अपस्ट्रीमिंग एंड डाउन इससे संबंधित मुद्दे यानी कि जो फार्म से लेकर बाजार तक पहुंचने और बाजार से लेकर उपभोक्ताओं तक पहुंचने का जो बीच में दिक्कत है उसके बारे में बात हो रही है जैसे अगर हम बात करें तो कृषि जब लोग किसान जो अपना उत्पादन करता है तो उसको उसकी उपज का अच्छा मूल्य नहीं मिल पा रहा है एमएसपी नहीं मिल पा रही है गांव में सड़कों का अभाव है स्टोरेज का अभाव है तो कई बार फसलें जब तैयार होती हैं तो उसको तुरंत बाजार में लेकर जाना पड़ता है इसका नतीजा ये होता है कि अचानक से उसके दाम में बहुत भारी कमी आ जाती है तो ये एक इंपॉर्टेंट इश्यू है दूसरा इन सभी से संबंधित यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से संबंधित जो रिलेटेड कंस्टेंट्स हैं यानी जो अवरोध हैं तो अवरोधों को आपको यहाँ पर पढ़ना है कि क्या क्या अवरोध हैं जैसे बिचौलियों का होना आ, सरकार द्वारा भंडारण सुविधाएं ना होना आ, सबसे बड़ी बात है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है उसके बाद भी फूड प्रोसेसिंग यानी खाद्य प्रसंस्करण की हमारे यहाँ बहुत अच्छी सहूलियत नहीं है एक ऐसा बाजार है एक ऐसा इनपुट है जिसके माध्यम से हम पूरी दुनिया में छा सकते हैं काफी अच्छा काम कर सकते हैं तो क्या क्या रिलेटेड कंस्टेंट है तो ये काफी कंटेम्प्रोरी टॉपिक है इसके लिए एक तो योजना मैगजीन करके आती है योजना भारत सरकार की दूसरा कुरुक्षेत्र ये दो आपको इसमें काफी मदद करेगी और कुछ हद तक उमा कपिला मैंने जो बताया इंग्लिश मीडियम में उमा कपिला ये आप पढ़ सकते हैं और हिंदी में अगर आप देखना चाहते हैं तो मिश्रा एंड पुरी आप इसका अध्ययन कर सकते हैं तो ये महत्वपूर्ण सेगमेंट है जिसके बारे में आप जो है तैयारी कर सकते हैं अगला है ई टेक्नोलॉजी एड ऑफ फार्मर्स यानी कि किसानों की सहायता में ई प्रौद्योगिकी का जो है विशेष योगदान कुरुक्षेत्र में सीधे सीधे एक इशू आया हुआ है ई टेक्नोलॉजी इन एड ऑफ फार्मर सीधे वही टाइटल है योजना में भी आ चुका है यहां पर ये यह आपको काफी हेल्प करेगी ये जो समाचार पत्रों में आता है योजना कुरुक्षेत्र में आ रहा है वहां से आपको काफी हेल्प हो जाएगी ये वाला जो पार्ट है वो ज्यादातर किताबों में मिसिंग है नहीं दिया हुआ है नया पार्ट है तो इसके लिए आपको हमेशा इन वेबसाइट्स आप चाहे तो कृषि मंत्रालय की वेबसाइट भी रिफर कर सकते हैं योजना कुरुक्षेत्र इससे आप पढ़ाई कर सकते हैं नेक्स्ट वन है प्राइजिंग यानी कि कृषि मूल्यों के बारे में बात हो रहा है कृषि एक ऐसा व्यवसाय है जहां पर किसान उपजाता तो है लेकिन वो कितने पर बेचेगा का ये काम तय करने का सरकार और बाजार करते हैं किसान को इसमें कोई छूट नहीं है तो एग्रीकल्चर प्राइसिंग हमेशा देश में बहुत बड़ा मुद्दा रहा है बहुत हॉट टॉपिक रहा है तो पहला जो इसमें मुद्दा है जो आपके सिलेबस में वो है वो सब्सिडीज को लेकर है यानी कि जो सहकार जो है सब्सिडी देती सहायता देती है दो तरह की सब्सिडीज के बारे में यूपीएससी आपसे पूछ सकता है पहला डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष आपने देखा कि डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एक बहुत बड़ा स्कोप है बहुत बड़े इनपुट्स हैं उसके तो आपने देखा जैम ट्रिनिटी यानी जनधन आधार और मोबाइल से लिंक करके जो है सरकार सीधे खाता धारकों के यानी लाभार्थियों के खाते में पैसा देने की कोशिश कर रही है क्वेश्चन आ चुका है मेंस में तो ये आप इसको बारे में अध्ययन कर सकते हैं अगला इनडायरेक्ट सब्सिडीज को लेकर अप्रत्यक्ष सब्सिडीज को लेकर चाहे वो खाद पे हो या तमाम अन्य प्रकार की सब्सिडीज हो उनको लेकर बात हो रही है सरकार लोन जो है वो सस्ता कर सकती है माफ कर सकती है ब्याज उस पर तो तमाम इस तरह की सब्सिडीज आती रहती हैं और इनके बारे में अध्ययन करना होता है तो ये दोनों टॉपिक काफी करंट के हैं समसामयिक हैं और इसमें अगर आपको अध्ययन करना है तो एम यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये भी काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा होता है तो इसको अध्ययन करने के लिए इकोनॉमिक सर्वे यानी आर्थिक सर्वेक्षण में जो एग्रीकल्चर का चैप्टर है वहां पर ये काफी अच्छे से दे रखा है और आप इस पर काफी अच्छा अध्ययन कर सकते हैं अगला एक स्टैटिक पोर्शन है पीडीएस आठवां जो टॉपिक है यूपीएससी के सिलेबस में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी जन वितरण प्रणाली के बारे में बात हो रही है तो इसमें यूपीएससी क्या क्या क्वेश्चन बना सकता है ये मैंने यहाँ ब्रेक कर दिया है पहला पीडीएस के ऑब्जेक्टिव क्या है मतलब उसका जो है एक मकसद क्या है ऑब्जेक्ट पीडीएस को रखने का दूसरा पीडीएस के लिमिटेशन क्या है उसकी सीमाएं क्या है क्या ये सार्वभौमिक हो सकता है सभी की सहायता के लिए जा सकता है काला बाजारी हो सकती है बाजार में इन्फ्लेशन को क्रिएट करने में इसका बड़ा योगदान हो सकता है पीडीएस को रिवैम कैसे करेंगे उसको जो है वो पुनर्संरचना उसकी कैसे करेंगे ताकि ज़्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिल सके पीडीएस में कई बार देखा गया है कि बड़ी मात्रा में बिचौली आ जाते हैं कालाबाजारी आ जाती है बाजार के मूल्य और पीडीएस शॉप्स के जो राशन शॉप्स के बीच के मूल्य का अंतर है वो लालच पैदा करता है भ्रष्ट इकोनॉमी को जन्म देता है तो उसको रिवैम करने के लिए कौन कौन से मॉडल है इसमें स्टेट्स के मॉडल बड़े इंपॉर्टेंट है जैसे तमिलनाडु तो तमिलनाडु ने सबसे पहले जैसे टारगेटेड पीडीएस टीपीडीएस के बारे में बात करते हैं उसकी शुरुआत की और तमाम जैसे अगर आप झारखंड मॉडल पे जाओगे छत्तीसगढ़ का मॉडल बड़ा फेमस रहा जहाँ चावल बांटने की योजना रही है तो इन मॉडल्स पे कई बार जो है वो क्वेश्चन आते हैं तो आपको स्टेट मॉडल्स पढ़ने पड़ेंगे कि जन वितरण प्रणाली में स्टेट मॉडल्स कितने कामयाब हो पा रहे हैं तो ये काफी अच्छा रहेगा जैसे उत्तर प्रदेश के मॉडल में अगर हम बात करेंगे तो अगर आप सिलेंडर उज्ज्वला योजना की बात करें उसकी सक्सेसफुल की बात करें तो हर स्टेट्स का अपना कुछ ना कुछ है एमपी में अगर बात करें तो एमपी सिंचाई पे काफी अच्छा काम करता है तो ऐसी कंडीशन में स्टेट मॉडल्स का अध्ययन करना यहाँ आपके लिए बहुत जरूरी है और इसके लिए आप जो समाचार पत्र है वहां से उसको उठा सकते हैं बुक्स से अगर इसकी जानकारी लेना चाहते हैं तो इंग्लिश में उमा कपिला पीडीएस के लिए एक अलग टॉपिक दिया हुआ है और हिंदी में मिश्रा एनपुरी तो इन दोनों में से आप कोई भी टॉपिक आप जो है वो उठाकर उसके यहाँ अध्ययन कर सकते हैं अगला इसमें टॉपिक है इश्यू ऑफ बफर स्टॉक देश में हमेशा चर्चा में रहता है बारिश होती है अनाज सड़ जाते हैं जो है हमारा फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल इम्पॉर्टेंट इनपुट है एफ सी जी से बोलते हैं तो लगातार वहां पर विवाद बना रहता तो बफर स्टॉक को लेकर हमारे पास क्या क्या है हमारा उत्पादन और स्टॉक के बीच में क्या अंतर है क्या कंस्ट्रेंट्स हैं उसके आ, सब कुछ जो है इसके अंदर आ जाता है अगला है फूड सिक्योरिटी खाद्य सुरक्षा लगातार आने वाला टॉपिक है इसमें कई बार कुछ सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं जैसे खाद्य सुरक्षा बिल को लेकर उसके बजट को लेकर कई बार जो है इसमें कंटेम्प्रोरी टॉपिक पूछा जाता है कि इतना अनुज बनाने के बाद जो हमारे यहाँ कुपोषण क्यों है भुखमरी क्यों है तो ये भी टॉपिक्स आप जो है वो उमा कपिला और मिश्रा मिश्राणुरी से पढ़ सकते हैं नाइन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बड़ा कंटेम्प्रोरी टॉपिक है बहुत ध्यान से इसको आपको पढ़ना पड़ेगा टेक्नोलॉजी मिशन इन एग्रीकल्चर यानी कि कृषि में तकनीकी का जो मिशन है वो बहुत महत्वपूर्ण है देखिए सीधी सी बात है हमारा एग्रीकल्चर आज की डेट में वैल्यू एडिशन नहीं कर पा रहा है हमारा किसान आज भी परंपरागत तरीके से उसकी हिम्मत उसकी मेहनत है जो इतने लोगों का करोड़ों लोगों अरबों लोगों का जो है पेट भर पा रहे हैं लेकिन निश्चित रूप से आज भारत की जो पर कैपिटा जो एग्रीकल्चर इनकम है पर हेक्टेयर यील्ड है यानी कि जो हमारी खेतों में उपज है वो बहुत कम है भारत अपने कुल भूभाग का तिरपन प्रतिशत हिस्से पर खेती करता है मतलब किसी भी देश के पास उसके भूभाग के इतने बड़े हिस्से पर खेती नहीं होती है लेकिन जो प्रति हेक्टेयर हमारी उपज है वो बहुत ही सोचनीय है बहुत दयनीय है बहुत बुरी हालत है हमारी और हम बहुत ज्यादा लैंड पे खेती करने के बजाय अगर जो हमारे पास लैंड अवेलेबल है उसमें इंटेंसिफाइड एग्रीकल्चर करें उसमें जबरदस्त जो है उपजाऊपन लेकर आए तो निश्चित रूप से आप ये बांध के चलिए कि हम अपने लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा मुहैया करा सकते हैं परंतु चाहे वो कृषि उपज हो बीजों की गुणवत्ता हो सिंचाई के साधन हो कृषि में लागत कम करना हो कॉस्ट इनपुट कम करना हो वो बिना टेक्नोलॉजी मिशन के संभव नहीं है पॉसिबल नहीं है तो ये जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे वैल्यू एडिशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है के के लिए लिए तो निश्चित रूप से इसको पढ़ने के लिए जो मैगजीन आती है उसमें हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे टॉपिक्स दिए होते हैं जो टेक्नोलॉजी मिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है नीति आयोग के डॉक्यूमेंट्स नीति आयोग आपको पता हो उसकी वेबसाइट पर आप जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट तो जो इसके डॉक्यूमेंट्स तो उसमें एग्रीकल्चर रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स जो आर्टिकल्स हैं तो उसको आप डाउनलोड कर लीजिए आप देखेंगे आप इतना अच्छे इनपुट्स आप पा जाते हैं जिसकी कोई हद नहीं है आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं नेक्स्ट है इकोनॉमी ऑफ एनिमल रियरिंग नो डाउट आज हम बात कर रहे हैं पशुपालन से संबंधित अर्थव्यवस्था तो पशुपालन से संबंधित अर्थव्यवस्था प्रधानमंत्री कई बार कह चुके हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि किसानों की अगर आय को दुगना करना है जैसा सरकार ने लक्ष्य रखा है कि उनकी इनकम को डबल करना है फार्मर्स इनकम को तो उसके लिए एनिमल रेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एनिमल रेयरिंग में चाहे वो दूध उद्योग हो या मांस उद्योग हो पोल्ट्री हो फिशरीज हो ये सभी किसानों की इनकम को न सिर्फ इन्हेंस करेंगे जबकि वर्नेबल टाइम में क्योंकि हमारी एग्रीकल्चर के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है वो है क्लाइमेट चेंज सबसे आप बचा ले जाओगे लेकिन क्लाइमेट चेंज जो है वो एक ऐसा डर है एक ऐसा भय है जो हमारे सामने खड़ा ही है तो ऐसी कंडीशन में यहां पर जो हमारे सामने बड़ी चैलेंज आएगा वो जलवायु परिवर्तन से आ रहा है तो एनिमल रियरिंग जो होगा वो उनको काफी हेल्प करेगा काफी इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो है वो प्रोवाइड करेगा तो इससे लिए हमें बहुत सी चीज़ों को लेकर आना है बहुत से मिशन चलाने हैं भारत में जो पशुओं की गुणवत्ता है वो काफ़ी अच्छी नहीं है चाहे दुधारू पशु हों चाहे मांस वाले पशु हों संसार के जो भी देश हैं जो पोल्ट्री पे मीट पे आ, आ, मिल्क पे चाहे डेनमार्क हो चाहे वो अर्जेंटीना हो अमेरिका हो ये सभी अपने जो एनिमल रेयरिंग है उस पर बहुत ज़्यादा इनपुट देते हैं बहुत ज़्यादा जो है वो इन्हेंसमेंट करते हैं बट इंडिया में अभी भी ये क्षेत्र काफ़ी वर्रेबल है काफ़ी किनारे है उस अपेक्षित है तो हमें इस पर बहुत ज़्यादा काम करने की जरूरत है हमें टेक्नोलॉजी मिशन को यहाँ भी लेकर आने की ज़रूरत है हमारे जो गायें हैं हमारे भैंसे हैं वो ज़्यादा दूध दे सकें बीमारियों से उनकी बचाव लंबे समय तक हो सके साथ ही साथ जो है हमारे यहाँ जो बर्ड फ्लू है या तमाम जैसी बीमारियाँ थी तो उनसे रोकथाम हो सके नई संकर प्रजातियां वैज्ञानिक प्रजातियां आ सके ताकि जो गरीब किसान है वनरेबल है उसको काफ़ी अच्छी इनकम साथ साथ सपोर्टिव इनकम हो सके और वो अपने आप को सर्वाइव करा सके तो निश्चित रूप से यह बहुत महत्वपूर्ण है और अगला जो ग्यारहवा टॉपिक आता है वो फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज सी बात है खाद्य प्रसंस्करण और उससे संबंधित उद्योग यूपीएससी क्या इसमें आपसे जानना चाहता है पहले पूछता है कि भारत में इसका स्कोप क्या है ऑब्वियस सी बात है अगर आप उठा कर देख लें तो जितने भी खाद्य उत्पादन है उसमें हम टॉप थ्री में बैठे रहते हैं भैंसों के दूध के उत्पादन में नंबर वन चावल के उत्पादन गेहूं का उत्पादन या अन्य प्रकार का उत्पादन लेकिन इतना उत्पादन होने के बाद आज हमारा किसान जो है अपने फसल को सड़कों पे फेंक देता है आज वो आत्महत्या कर रहा है उसके पास इनपुट्स नहीं है वो स्टोर नहीं कर सकता और दुनिया के तमाम छोटे छोटे देश फूड प्रोसेसिंग में बहुत अच्छा कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है ये वो टाइप है जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बन रही है तो स्कोप क्या है इसका महत्व यानी सिग्निफिकेंस क्या है ये आपको समझना पड़ेगा कौन कौन से लोकेशन हो सकते हैं जहां पर हम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को काफी अच्छा इनपुट दे सकते हैं इस फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट क्या है यानी कि अप स्ट्रीमिंग और डाउन स्ट्रीमिंग यानी कि अपर स्ट्रीमिंग का मतलब होता है खेतों से जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वहां तक आने का और डाउन स्ट्रीमिंग का मतलब होता है कि वहां प्रोसेस होने के बाद मार्केट तक लोगों तक वितरण तक पहुंचने का डिस्ट्रीब्यूशन तक पहुंचने का सुपर मार्ट मार्केट्स मॉल्स यहां तक पहुंचने का क्या इनपुट रहेगा तो और इसके बाद है अगला सप्लाई चेन मैनेजमेंट यानी कि जो आपूर्ति श्रृंखला का प्रबंधन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो स्कोप सिग्निफिकेंस लोकेशन कहां स्थिति हो सकती है क्या आवश्यकता है आप स्ट्रीमिंग और डाउन स्ट्रीमिंग और सप्लाई चेन मैनेजमेंट यानी जो आपका आपूर्ति श्रृंखला का प्रबंधन है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है इस हिसाब से अगर हम देखें तो नब्बे नंबर से ज्यादा ये जो ग्यारह टॉपिक हैं ये इनपुट देते हैं बहुत बड़ी वैरायटी कवर कर सकते हैं इसको पढ़ने के लिए आप फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के वेबसाइट पर जाते हैं उनके डॉक्यूमेंट्स यानी एनुअल रिपोर्ट आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं साथ ही साथ जो न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आ रहे हैं फूड प्रोसेसिंग को लेकर उसको अपडेट कर सकते हैं निश्चित रूप से और नीति आयोग का जो डॉक्यूमेंट्स है उसको आप पढ़ सकते हैं तो ये जो टॉपिक्स हैं इसको इस प्रकार आप अध्ययन कर सकते हैं याद रखिएगा इस पार्ट को पढ़ने के लिए कुरुक्षेत्र बड़ी प्यारी मैगजीन है जो आपके इस बहुत बड़े सिलेबस को कवर करेगी और कंटेम्प्रोरी टॉपिक से आपका जो वो है वो साक्षात्कार होता रहेगा आप उसमें अपडेट रहेंगे यहां से क्वेश्चन काफी ज्यादा कंटेम्प्रोरी आ रहे हैं और इसीलिए ये पार्ट या तो बहुत स्कोरिंग है या आपको बिल्कुल पूरी तरह से डम्प कर देगा मैं इतना चाहता हूं कि आप इसमें बहुत अच्छा स्कोर करें क्योंकि जीएस पेपर वन और जीएस पेपर थ्री और जीएस पेपर फोर ये काफी स्कोरिंग हो जाते हैं इस कंडीशन में चलिए अब हम अगले चरण की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं कि सिलेबस का दूसरा हिस्सा क्या है यूपीएससी ने के दूसरे हिस्से में बड़ी महत्वपूर्ण चीजों को रखा हुआ है जिसमें इफेक्ट ऑन इकोनॉमी है यानी कि जो भी चीजें आप पढ़ रहे हैं उसका इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट आ सकता है जैसा कि अर्थव्यवस्था पर लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण का क्या क्या प्रभाव हमारे सामने उपलब्ध है पहला नंबर ये हो गया दूसरा चेंज इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी भारत ने अपनी औद्योगिक नीति में जो परिवर्तन किया है उसकी वजह से क्या क्या प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ सकते हैं या पड़ रहे हैं तो इसके बारे में जैसे मेक इन इंडिया पॉलिसी हो गई इससे हमारे विनिर्माण को कितना मिल रहा है एमएसएमई के लिए आपने देखा कि बहुत ही कम समय में लोन आसानी से मिल रहा है जो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है कुटीर उद्योग को लेकर लघु उद्योगों को लेकर या विदेश से आयात को लेकर इन सभी को लेकर आपके पास एक डायमेंशन होना चाहिए आपके पास एक सोच होनी चाहिए और इसका है अगला भारत की आर्थिक समृद्धि का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव जैसे ऑटोमोबाइल उद्योग का क्या है अगर वो ग्रोथ करता है तो क्या अगर वो डाउन होता है तो क्या स्टील उद्योग हो गया कोयला उद्योग हो गया तो इनका हमारी अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव रहता है आ, रोजगार निर्माण में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में विदेशी मुद्रा की प्राप्ति में भारत की अवसंरचना को बढ़ाने में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में ये सारी चीजें यानी तीन पार्ट इफेक्ट ऑन इकोनॉमी मैंने इसको पार्ट में तोड़ दिया है पहला लिबरलाइजेशन दूसरा चेंज इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी थर्ड वन ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ तो इसका हमारे ऊपर क्या प्रभाव आएगा इसको पढ़ने के लिए आप अगर कन्वेंशनल जो इसका बेसिक थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए जो मिश्रा एंड पुरी है उस किताब को हिंदी में देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम में मिश्रा एंड पुरी और उमा कपिला दोनों में से आप किसी को भी आप उसका अध्ययन कर सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है साथ ही साथ जो इंडस्ट्रियल जो हमारा उद्योग मंत्रालय है उसकी वेबसाइट्स पे जाकर आप उसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं या जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे है आर्थिक सर्वेक्षण उसमें भी इसका अध्ययन कर सकते हैं और जान सकते हैं कि हमने किस प्रकार एक्सपोर्ट पॉलिसी को बनाया हुआ है और इंडस्ट्रियल पॉलिसी के लिए हम क्या क्या चीजें कर रहे हैं नेक्स्ट आ जाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और काफी ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से हर साल बनते हैं तो हमें समझना होगा कि अवसरचना इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे लिए किस प्रकार बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है चलिए दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो हमारा सबसे पहला पार्ट है वो हमारा पार्ट है जिसे हम लोग बोलते हैं पोर्ट्स यानी कि जो आपके बंदरगाह हैं उसके बारे में अध्ययन करना है उसके बाद रोड्स के बारे में अध्ययन करना, करना है कि रोड्स हमारे पास कैसे हैं सड़क है, है चाहे वो एक्सप्रेस वे हो राष्ट्रीय राजमार्ग हो और इस बार के लिए काफी इंपॉर्टेंट है इसको आप ध्यान से पढ़िएगा और लगातार जो है वो न्यूज पेपर से अपडेट करिए या योजना में काफी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर में जो योजना है गवर्नमेंट की मैगजीन वो काफ़ी अच्छा योगदान आपको दे सकती है इसके बाद एयरपोर्ट्स यानी कि जो हमारे वायन जो उड़ाने के लिए जगह है वो सारे आप इसमें अपडेट कर सकते हैं रेलवे और तमाम अगर हम पाइपलाइंस की बात करें या नई तरह के जो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं उसके बारे में बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिक अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो एन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दसवीं क्लास की भी ग्यारहवीं क्लास की भी एन आप अपडेट कर सकते हैं और इसके बाद आप योजना मैगजीन के साथ साथ अगर आप मिश्रापुरी और उमा कपिला देखते हैं उससे तो भी आप इसको काफी अच्छा अपडेट कर सकते हैं चलिए दोस्तों तो इस सिलेबस के अगले हिस्से पे हम लोग पहुंचते हैं और सिलेबस के अगले हिस्से पे देखते हैं कि इसके और क्या क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं अगला है जो टॉपिक दिया हुआ यूपीएससी ने वो दिया हुआ है कि भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित मुद्दे 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 मतलब जहां पर हम बात करें सीधे सीधे बात को समझना बड़ा मुश्किल होता है मुद्दे वो होते हैं जहां पर दोनों पक्ष जो है वो एक तरफ उसका समर्थन कर रहे होते हैं दूसरी तरफ उसका विरोध कर रहे होते हैं तो मुद्दे उन्हें कहते हैं तो ऐसी कंडीशन में जो मुद्दों को समझने के लिए आपको उसके प्रॉज एंड कॉन्स पॉजिटिव और निगेटिव ब्लैक एंड व्हाइट ये सब कुछ आपको बैलेंस करके चलना पड़ता है इसीलिए मैंने इसको अलग एक हिस्से में रखा है ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि इन मुद्दों को तैयार करना एक बहुत चैलेंजिंग काम होता है और ये मेरे ख्याल से काफी डिफिकल्ट एक टॉपिक होता है क्योंकि इसमें आपको सबसे ज्यादा करंट पे फोकस करके रखना पड़ेगा आपको इसके सभी पक्षों की जानकारी लेनी पड़ेगी पहला मुद्दा हम जो समझते हैं योजनाओं से संबंधित मुद्दे संसाधन, संसाधन है और इतनी बड़ी आबादी को उस संसाधनों को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने के लिए प्रशिक्षित करना है उन तक पहुंचाना है तो ऑब्वियस बात है अगर हम प्लानिंग नहीं करेंगे हम नियोजन नहीं करेंगे तो अपने संसाधनों को लोगों तक नहीं पहुंचा पाएंगे और याद रखिएगा जो संसाधन होते हैं वो लोगों की वैल्यू एडिशन लाइफ को इनहैंस करने के लिए सबसे मूलभूत शर्त होते हैं बिना संसाधनों के आप अपनी लाइफ में वैल्यू एडिशन नहीं कर सकते तो इससे रिलेटेड यानी प्लानिंग योजनाओं से संबंधित जो मुद्दे आ रहे हैं उनको आपको लगातार नजर बना के रखनी पड़ेगी जहां जहां भी और ये काफी ब्रॉड टॉपिक है अगला है मोबालाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज किसी भी राष्ट्र के लिए यानी कि जो संसाधनों की गति की है मोबिलाइजेशन है उसका वैल्यू एडिशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है तो यहां पर जो वर्ड रिसोर्सेज है इसके बड़े ब्रॉडर है बहुत बड़ा है ये सेगमेंट यहां आपको यह समझना पड़ेगा कि रिसोर्सेज uh, क्या है चाहे वो प्राकृतिक संसाधन हो नैचुरल uh, मानव संसाधन हो या पूंजीगत संसाधन हो ये सभी संसाधन ये रिसोर्सेज इनको ब्रॉडर में पढ़ना पड़ेगा न सिर्फ इन संसाधनों की आपको जानकारी होनी चाहिए साथ ही साथ आपको जो है इनको मोबालाइज करने के तरीके इनको एनहैंस करने के तरीके नेशन के लिए इनकी वैल्यू को एसेट को जोड़ना लोगों से जोड़ना इसके तरीके आपको पता होने चाहिए तो जहां आप प्लानिंग को इकोनॉमी यानी इलेवंथ क्लास की इकोनॉमी से पढ़ सकते हैं जो एनसीईआरटी है वहीं इस वाले पार्ट को आप ज्योग्रफी एनसीआर ज्योग्रफी से पढ़ सकते हैं मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ट्वेल्थ क्लास की एनसीआर से इसको आप अटैच कर सकते हैं और टेंथ क्लास की एनसीआर से अटैच कर सकते हैं अगला है विकास से संबंधित मुद्दे यानी इश्यूज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट तो विकास से संबंधित मुद्दे बहुत ही जटिल होते हैं सपोज दैट भारत सरकार को एक बांध बनाना है तो सुनने में अच्छा लगता है कि बांध बनाना है बहुत अच्छी बात है लेकिन जहां डैम बनाना है वहां पर उसके पीछे का भूभाग डूब जाता है लोगों को विस्थापित करना पड़ता है तो हर बार जो डेवलपमेंट का मुद्दा होता है वो इतना आसान नहीं होता लोग अपनी जमीन नहीं छोड़ रहे हैं उनको विस्थापित होना पड़ रहा है उनको मजबूर किया जाता है कई बार हिंसा होती है झड़प होती है गोली चलती है लोग जान चली जाती है तो ऐसी कंडीशन में जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो सभी का ध्यान रख के होना चाहिए तो सवाल है कि भारत में डेवलपमेंट से संबंधित मुद्दे क्या हैं जैसे अभी आपने देखा सड़क मंत्रालय ने अभी स्टेटमेंट दिया है कि हम बहुत सी सड़कें इसलिए नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि हम भूमि अधिग्रहण नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि दोनों सब्जेक्ट्स अलग अलग हैं और लोग अपनी जमीन देने के लिए तैयार नहीं है जब जमीन ही नहीं मिलेगी तो हम सड़क कहाँ बनाए सड़क नहीं बनेगी तो लोगों की गति की नहीं बढ़ेगी आप सड़क चाहते हैं लेकिन जिसकी जमीन जा रही है वो उसको संरक्षा चाहता है वो चाहता है कि मेरा ढंग से पुनर्वास हो तो काफी कॉम्प्लेक्स और काफी इंपॉर्टेंट इशू है तो इसको पढ़ने के लिए आप न्यूजपेपर का सहारा लें या योजना मैगजीन का सहारा लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि उसमें जो डाटा देते हैं उसमें कई पक्षों के बारे में बताते हैं एक डेवलपमेंट का पॉजिटिव बताता है तो दूसरा उसका निगेटिव भी बताता है अगला भारतीय अर्थव्यवस्था में जो हमेशा से सदाबहार मुद्दा रहा है वो है एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इश्यूज यानी कि रोजगार से संबंधित मुद्दे बहुत ही गहरा मुद्दा है ये इसका मतलब ये नहीं कि लोगों को जाके सीधे नौकरी मिल जाए और इसको हम लोग इंप्लॉयमेंट रिलेटेड इशूज कह देंगे इसमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स इशूज आते हैं जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था में रोजगार जैसे आपने देखा कि कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी बड़ा मुद्दा नहीं है ल्प रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है यानी अंडर एम्प्लॉयमेंट लोग काम करते हुए तो दिखाई पड़ रहे हैं लेकिन अगर कोई बीस हजार की नौकरी के योग्य है तो उसको केवल दस हजार रुपए दिए जा रहे हैं वो खाना बेच रहा है कहीं या खाना सप्लाई कर रहा है कुछ भी ऐसा काम कर रहा है मोबाइल की सिम बेच रहा है उससे ज्यादा अच्छा वो काम कर सकता है तो ऐसी कंडीशन में जो एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इशू है वो काफी डीपर है काफी बड़े हैं इस इशू को आप हिंदी मीडियम का स्टूडेंट जो है वो मिश्रापुरी से पढ़ सकता है या इस इशू को जो है वो तैयार कर सकता है उमा कपिला के साथ बाकी कंटेम्प्रोरी जो टॉपिक आता है एनएसएसओ के आंकड़े आ रहे हैं या नीति आयोग के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको इस पर अध्ययन करना बहुत जरूरी है जब मैंने नीति आयोग की क्लासेस ली थी तो मैंने इन सभी विषयों को बहुत ही डीपली पढ़ाया था जो मैंने उसका थ्री ईयर विजन एजेंडा था आपने देखा काफी बच्चों ने लगभग मोर देन वन स्टूडेंट ने ऑनलाइन उसका आनंद उठाया उसको पढ़ा और एक जो सोच डेवलप थी नीति आयोग के डॉक्यूमेंट्स की वो मैंने वहां पर स्टेबलिश करने की कोशिश की चाहे वो डेवलपमेंट से रिलेटेड मुद्दा हो चाहे एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड मुद्दा हो इंडस्ट्री एग्रीकल्चर काफी बृहद तरीके से मैंने उसको जो है वो कवर किया था राइट दोस्तों तो अगला है हमारा इंक्लूसिव ग्रोथ और उससे संबंधित मुद्दे यानी समावेशी विकास और उससे संबंधित मुद्दे यानी इकोनॉमिक मानविकी पक्ष है जब समावेशी विकास की बात करते हैं तो हम उन सभी लोगों के बारे में बात करते हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था का हिस्सा है चाहे वो दिव्यांग हो चाहे सबल हो महिला हो चाहे पुरुष हो सभी लोग जो भी अर्थव्यवस्था में अपना योगदान कर रहे हैं उन सभी को लेकर जो मुद्दे आ रहे हैं इंक्लूसिव ग्रोथ को लेकर मुद्दे आ रहे हैं उसको आपको अध्ययन करना और ये पूरा का पूरा करंट टॉपिक है इसको योजना से आप पढ़ सकते हैं साथ ही साथ इसका अध्ययन आप कर सकते हैं जो नीति आयोग के डॉक्यूमेंट्स हैं न्यूज पेपर के साथ इसको आप पढ़ सकते हैं और अपने टीचर के साथ इसका जो बेसिक्स उसके बारे में जान सकते हैं अगला बहुत ही स्टैटिक पोर्शन है वो है गवर्नमेंट बजटिंग यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है तो बजट बजट के प्रकार बजट सरकार कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल कर रही है सरकार उसके माध्यम से क्या अचीव करना चाहती है जैसे डेवलपमेंटल बजट क्या हुआ नॉन डेवलपमेंटल बजट क्या हुआ बजट से संबंधित जो शब्दावलियां हैं जैसे जीरो बजटिंग या जेंडर बजटिंग इन सबको लेकर जो टॉपिक्स आ रहे हैं वो आप इसको कवर कर सकते हैं

तो इन्वेस्टमेंट मॉडल से इसको भी आप रमेश सिंह के साथ जो है वो बुक से आप इसको अपडेट कर सकते हैं या मिश्रा एंड पुरिस के साथ इसको अपडेट कर सकते हैं दोस्तों तो जीएस पेपर थ्री में जो इकोनॉमिक का पोर्शन रहा वो मैंने आपके साथ कवर कर दिया है उम्मीद है इससे आपको काफी इनपुट अच्छे मिले होंगे काफी आपको इससे मदद मिली होगी और ये सभी चीजें जो ये मैंने सिलेबस बताया वो ऑनलाइन क्लासेस उपलब्ध हैं आप हो ये इस अकेडमी के साथ जुड़कर उनका आनंद उठा सकते हैं साथ ही साथ तमाम ऐसे कोर्सेज जो बच्चे अभी समझना चाहते हैं यूपीएससी पी एस के है उनके लिए हमने हज़ार हज़ार रुपए तक के जो एनसीईआरटी के कोर्सेज हैं ज्योग्राफी के उनको भी शुरू कर दिया है जो विविधता है वो जो है वो आप उसके साथ जोड़ सकते हैं तो आज ए टू जेड आपकी तैयारी के सारे कोर्सेज ऑनलाइन उपलब्ध हैं जुड़िए है दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब करिए लाइक करिए और सिलेबस के और महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपके साथ लेकर आऊंगा जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं उनको अपडेट करिए वो किताबें वो मैगजीन आप लेकर आइए और ये जो पोर्शन है वो काफी स्कोरिंग हो सकता है आपके लिए आपके सेलेक्शन का आधार हो सकता है जिस वे में मैंने बताया है उसको मैंने ब्रेक किया है उसी ब्रेक आप इसको जो है वो अपनी कॉपी में लिखिए और जो चैप्टर्स उनको कलेक्ट करिए और खूब अच्छे से पढ़ाई करिए जुड़े रहिए दोस्तों अगले वीडियो में मैं और महत्वपूर्ण चीजों के साथ जल्दी हाजिर होऊंगा धन्यवाद